सबसे पहले तो आपको सारे पार्ट इकट्ठा करने हैं जो आपके एक ड्रावर पे और जो अंदर एक कैबिनेट में जो चैनल लगा हुआ, कैबिनेट के अंदर आपका ये वाला चैनल लगा हुआ होगा और ड्रावर के ऊपर इस टाइप का चैनल है और एक ड्रावर के चैनल इस टाइप का होता है। यानी कि आपके सारे पार्ट आपको अलग अलग करके एक जगह व्यवस्थित करके रखना है। एक इस टाइप की जाली होगी जैसा आप ये देख रहे हो और कुछ छर्रे हो गए, ये बॉल्स इस टाइप के, और दो ब्लैक स्टिक होगी इस टाइप की, ब्लैक भी हो सकती है वाइट भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई सी भी कलर की हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले आपको जितने भी पार्ट है आपके जो टूट डैमेज हो चुके हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पर इस टाइप से। मैं आपको सैंपल के वीडियो में एक ही चैनल को डिसमेंटल करके वापस से आपके सामने उसको फिक्स करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो चैनल है लेकिन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए एक ही चैनल को डिसमेंटल किया है। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसी प्रकार आप इस स्टेप को फॉलो करके आप आपका चैनल रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट लेना है जिसके अंदर ये ब्लैक कलर का ये लगा हुआ होगा, किसी में वाइट होता है किसी में ब्लैक। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट लेना है, अगर आपका ये वाला पार्ट है तो उसके बाद आपको ये ब्लैक कलर का पार्ट निकालना है। ये फ्रंट है, ये इसका बैक साइड है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ सकती है या कोई भी नुकीली चीज़ ले लेना, आप चाकू या चम्मच या कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ लेना जिससे ये ऐसे अपने को प्रेस करना है। ये फ्रंट है और ये बैक, इसको ऐसे प्रेस करोगे आप ये लॉक निकल जाएगा, जैसे प्रेस करोगे लॉक निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये जितने भी अपने ये छर्रे हैं बॉल से इनको इकट्ठा करना है, और ये जिस जाली देख रहे हो आप इसमें है एक बॉल इधर और एक ये इधर, और उसको ऐसे अंदर कर देना आप। ये बस थोड़ा सावधानी से लगाएं क्योंकि ये बार बार गिरेगा आपके हाथों से तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको, जैसे कि मेरे को भी टाइम लग रहा है। तो एक एक बॉल अंदर करते रहें और लगाते रहें। ये अभी मैंने दो लगा दिए, दो उसके बाद एक लेफ्ट में और एक राइट में वापस से लगाना है आपको। फिर उसके बाद आपको एक इधर रखना है मतलब, और एक इधर रखना है, एक इधर और एक इधर, ये दोनों साइड आ गए। फिर हल्का सा चैनल पट्टी आगे कर देना, पॉज कर दे अभी, फिर लास्ट में दिखा देंगे। अभी जैसे लास्ट वाला बचा है मैंने ये सभी में लगा दिए बॉल्स, ये जो छर्रे हैं, अब आपको आराम से लास्ट वाले में भी रखना है। ये देख सकते हो आप, ऐसे फिंगर से पकड़ लेना आप इनको और चैनल की पट्टी जो है वो इजीली अंदर आ जाएगी। अब आप देख सकते हो ये जो ये अपना प्रॉपर लग गया है। अगर इसके अंदर छर्रे ज़्यादा ना हो यानी कि कम भी हो सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये वापस से ये ब्लैक वाला लेना है, और ब्लैक वाले का जो ये आगे का हिस्सा है आप देखो ये एक आगे का, और इसके अंदर वापस से रख के पुश कर देना, थोड़ा ताकत से कर देना, अगर इजी हो जाए तो इजी। अब ये वाला जो एक पार्ट था इसका ये प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये इजीली हो गया। अब बारी आती है अपनी ये वाला जो चैनल का पट्टी है ये आपके कैबिनेट पे लगा हुआ होगा ऐसे, वहाँ से आपको दो स्क्रू से आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्लस वाला भी स्क्रू हो सकता है उसके अंदर, और ये माइनस वाला भी हो सकता है। तो कोई जोन सा आपके यहाँ पे नट लगा हुआ हो उसके उसी के प्रकार से आप ये स्क्रू को ड्राइवर से ये जो पट्टी आपके कैबिनेट में लगी हुई है ये वहाँ से निकाल लेना। अब निकालने के बाद आपको ऐसे रखना है, और ये पीछे देखो एक रबड़ दिखेगा आपको, ये रबड़ वाइट है ऑरेंज भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, उसको ऐसे ये ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे लग भी जाता है और निकल भी जाता है। उसके बाद ये लोहे की पत्ती होगी जो आप देख रहे हो मेटल वाली, इसको सीधी करना है, ये पेचकस लेना आप या कोई भी चीज़ प्रेशर से इसको ये ऐसे सीधी हो जाएगी। सीधी होने के बाद हमारा दूसरा काम है ये, इस जहाँ से अपन ने ये पत्ती सीधी करी है उसके बाद ये जो ये वाली जो चैनल अभी हमने रिपेयर करी थी जिसके अंदर हमने ये छर्रे डाले हैं उसके आगे का हिस्सा आपको ऐसे रखना है, ये ऐसे अंदर जाएगा ठीक है। और हमारा सेकंड पार्ट है ये, दो ब्लैक कलर की ये पत्ती होगी जो वाइट भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, शायद आपके पास ब्लैक हो,
तो आपको क्या करना है, जहाँ से हमने ये जो सीधा करा था वहाँ पे हल आगे हल, ये इसके अंदर भी वो लगे हुए हैं आप देख सकते हो ये छर्रे, तो हल्का सा आगे रखना है, ये देखो आप वीडियो में दिखाओ, ये हल्का सा आगे रखना है, दोनों सीधी करके खड़ी कर देना इनको। उसके बाद ये आगे का हिस्सा है और इसको इसके बीच सेंटर में रख देना आप, ये बीच सेंटर में रखने के बाद आप दोनों चीज़ को आराम इजीली अंदर कर देना। अभी हमारा जो चैनल है आगे की साइड वर्क कर रहा है, ये देखो आप। अब ये जो पीछे जो पत्ती थी इसको आप वापस से टेढ़ी कर देना पीछे की साइड से मार के, इजीली हो जाएगी, ज़्यादा हेवी नहीं होती, हल्की होती है। और ये जो रबड़ है अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये रबड़ पीछे लगा देना। अब आपका जो पहला जो पार्ट है वो रिपेयर हो गया है। उसके बाद ये आपका जो चैनल है शायद ये ड्राइवर पे लगा हुआ हो या कीबोर्ड पे, ये इसके अंदर ऐसे जाएगा, ये हमारा जो चैनल था ये रिपेयर हो गया। अब आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आपका चैनल जो है रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा जो चैनल था और इसको हमने डिसमेंटल करके आप ही के सामने आपको वापस से इसको काम में लिया है।